हेलो, आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं डब्ल्यू के वी मेथड का पार्ट 6 यानी छठा वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद ये डब्ल्यू के वी मेथड हमारा जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर की। ए पोटेंशियल बैरियर हुज़ क्लासिकली अलाउड रीजन आर स्पेसिफाइड बाय वेन एक्स इज़ लेस देन एक्स वन एंड वेन एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स टू, द फॉरबिडन रीजन इज़ बाय एक्स इज़ लाई बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू। एक्स और बी एक्स के अंदर कर्व खींचा गया है। स्लोली पोटेंशियल जो है वो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है, आपको दिखाई दे रहा है रीजन टू में। और ई जो है वो इस पार्टिकल की एनर्जी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस पार्टिकल की एनर्जी अगर वी एक्स मैक्सिमम से कम है तो क्या ये पेनिट्रेट हो पाएगा? पेनिट्रेटेड हो पाएगा तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। टनलिंग थ्रू द पोटेंशियल बैरियर आज का हमारा टॉपिक है। कंसिडर द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी नॉट विच इज़ अंडर रूट टू एम ई इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑन टू द पोटेंशियल बैरियर वी एक्स, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा है, विद द एनर्जी ई डेट इज़ स्मॉलर देन द पोटेंशियल्स मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्सिमम। क्लासिकली द पार्टिकल कैन इन नो वे टू पेनिट्रेट इन साइड द बैरियर। क्लासिकली हमारा क्या क्या कंसेप्ट है, ये पार्टिकल की एनर्जी अगर बैरियर की एनर्जी से कम है तो वो उसमें पेनिट्रेट नहीं करेगा, हैंस इट विल बी गेट रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। क्वांटम मैकेनिकली हाउएवर द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल्स टर्निंग थ्रू द बैरियर एंड इमर्जिंग टू द राइट ऑफ द बैरियर इज़ नॉट जीरो। इन वॉट फॉलो वी वॉन्ट टू यूज़ द डब्ल्यू के वी अप्रॉक्सीमेशन टू एस्टिमेट द पार्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द बैरियर। इन रीजन वन एंड रीजन थ्री ऑफ फिगर 9.8 द पार्टिकल इज़ फ्री। साई वन एक्स बराबर साई इंसिडेंट प्लस साई रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा, विच इज़ ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एच क्रॉस प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा पी नॉट एक्स बाई एच क्रॉस। साई थ्री किसके बराबर है, साई ट्रांसमिटेड के बराबर है और वो बराबर है ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। तो हमने साई वन रीज़न और तीसरे रीज़न में जो कि हमारे फ्री रीज़न है, पार्टिकल वहाँ पर फ्री है, उसमें साई वन और साई थ्री की वैल्यू हमने लिखी है। वेयर ए बी एंड ई आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव रेस्पेक्टिवली। इन रीजन थ्री वी आर गोइंग टू वेव्स ओनली। व्हाट अबाउट द वेव फंक्शन इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन? द डब्ल्यू के बी मेथड प्रोवाइड द आंसर। सिंस द पार्टिकल एनर्जी इज स्मॉलर देन वी मैक्सिमम एंड इफ़ द पोटेंशियल इज स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ एक्स, द वेव फंक्शन इन रीजन टू इज गिवन बाय द डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। इक्वेशन 174 हमने पढ़ा है, उस इक्वेशन के द्वारा हम हमारे साई टू को दे रहे हैं। साई टू एक्स बराबर सी अपन अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स मॉड पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस डी अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल वन अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स पी एक्स डैश डी एक्स डैश। वेयर पी एक्स डैश व्हाट इज़ द मीन ऑफ पी एक्स डैश? पी एक्स डैश इज आयोटा अंडर रूट टू एम वी एक्स माइनस ई। द टर्म डी अपॉन अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल वन अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स पी एक्स डैश डी एक्स डैश इंक्रीज एक्सपोनेंशियली वेन द बैरियर इज़ वेरी वाइड। इट इज़ देयर फॉर अनफिजिबल। वी शैल बी कंसिडर द केस वेयर द बैरियर इज वाइड इनफ टू सो डैट वैल्यू ऑफ डी इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो इज वैलिड। हैंस साई टू एक्स बिकम सी अपॉन अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल वन अपॉन माइनस वन अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स मॉड पी एक्स डैश डी एक्स डैश। डी जो टर्म है उसे हम जीरो कर चुके हैं, जो 238 में दो टर्म्स में साई टू लिख रहे थे, अब हम साई टू को केवल सी कंपोनेंट जो है सी कोफिशिएंट के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल पासिंग थ्रू द बैरियर इज गिवन बाय ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। टी बराबर
वी ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय वी इंसिडेंट मॉड साई ट्रांसमिशन स्क्वायर मॉड साई इंसिडेंट स्क्वायर इज मॉड ई स्क्वायर अपॉन ए मॉड स्क्वायर. इक्वेशन 240. सिंस वी ट्रांसमिशन बराबर वी इंसिडेंट द स्पीड ऑफ द इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड पार्टिकल आर इक्वल, तो टी बराबर मॉड ई स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर के बराबर है. इन वॉट फेलो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कोफिशियंट ई इन टर्म ऑफ ए. फॉर दिस वी नीड टू यूज द कंटिन्यूटी ऑफ द वेव फंक्शन एंड इट डेरेवेटिव एट एक्स वन एंड एक्स टू. यूजिंग द इक्वेशन 236 एंड 239 द कंटिन्यूटी रिलेशन साई वन एक्स वन बराबर साई टू एक्स वन. साई वन इसका डेरेवेटिव भी साई वन डैश एक्स वन बराबर साई टू डैश एक्स वन. ठीक है, जैसा कि आपने थर्ड ईयर के अंदर भी पोटेंशियल बैरियर के केस में किया था, लेकिन वहाँ आपकी बैरियर की हाइट स्लोली वेरिंग नहीं थी, यहाँ पर पोटेंशियल की जो पोटेंशियल है वो स्लोली वेरिंग है. तो उसी वही अप्रोच यहाँ पर है. तो आपको क्या करना है, साई वन एक्स वन को साई टू एक्स वन के बराबर करना है. इक्वेशन 241 प्राप्त होती है. ए ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स वन अपॉन एच क्रॉस, बी ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स वन अपॉन एच क्रॉस बराबर सी अपॉन अंडर रूट ए वन. वॉट इज ए वन, ए वन इज आयोटा अंडर रूट टू एम वी एक्स वन माइनस ई के बराबर है. जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स वन डैश एक्स वन पॉइंट पे एक्स टू डैश एक्स वन पॉइंट पे, तो आपको इक्वेशन 242 प्राप्त होती है. वन अपॉन एच क्रॉस बराबर वन अपॉन एच क्रॉस पी नॉट ए ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स वन बाय एच क्रॉस माइनस बी ई की पावर माइनस आयोटा पी नॉट एक्स वन अपॉन एच क्रॉस बराबर माइनस ए वन एच क्रॉस अपॉन अंडर रूट ए वन सी के बराबर प्राप्त होता है. तो ये दो रिलेशन 241 और 242 हमने कंटिन्यूटी रिलेशन से बना के रखे हैं, जहाँ ए वन का मीनिंग आयोटा अंडर रूट एम वी एक्स वन माइनस ई है. द कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन एंड इट डेरिवेटिव एट एक्स टू पॉइंट, वहाँ पे भी चेक की जाए कंटिन्यूटी. तो साई टू एक्स टू बराबर साई थ्री एक्स टू के, और इसका डेरिवेटिव साई टू डैश एक्स टू पे साई थ्री डैश एक्स टू पे, दे आर इक्वल. आप इक्वेशन जो हमारे पास थी साई टू उसको एक्स टू पर बना लीजिए, तो आपके पास रिलेशन आता है साई टू बराबर साई थ्री करने पर एट एक्स टू पॉइंट सी अपन अंडर रूट ए टू एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स टू पी एक्स मॉड डी एक्स बराबर ई ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स टू अपॉन एच क्रॉस एंड माइनस ए टू अपॉन एच क्रॉस अंडर रूट ए टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स टू पी एक्स मॉड डी एक्स आई पी नॉट डिवाइडेड बाई एच क्रॉस ई ई की पावर आयोटा पी नॉट डॉट एक्स टू बाई एच क्रॉस. इक्वेशन 243 एंड 244 हमें अगेन कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वेव फंक्शन और उसके डेरिवेटिव से हमने फाइंड आउट किया है. तो हमारे पास अब चार इक्वेशन है 41, 42, 43 एंड 44 जो हमने कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन यानी डेरिवेटिव के से बना के रखे हैं. यहाँ ए टू का मतलब आयोटा अंडर रूट टू एम वी एक्स टू माइनस ई है. हमें अब मैथमेटिकली कुछ सॉल्यूशंस करने हैं ताकि हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिले. उसके लिए हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 241 एंड 242 को, तो हमें मिल रहा है सी बराबर टू ए अंडर रूट ए वन एक्सपोनेंशियल आई पी नॉट एक्स वन अपॉन एच क्रॉस डिवाइडेड बाई वन माइनस ए वन डिवाइडेड बाई आयोटा पी नॉट विच वैन इंसर्ट इन टू 243. ये जो सी की वैल्यू आई है इसे हमें 243 इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट करना है. तो सब्सिट्यूट करने के बाद में हमने ई बाई ए लिखा है, ई बाई ए बराबर टू अपॉन वन माइनस ए वन डिवाइडेड बाई आयोटा पी नॉट अंडर रूट ए वन अपॉन ए टू ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई एच क्रॉस एक्स वन से एक्स टू मॉड पी एक्स डी एक्स के बराबर आता है. ई बाई ए को 245 इक्वेशन के द्वारा दिया गया है, विच इज टर्न लीड्स टू, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं मॉड ई स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर करेंगे तो इसी चीज़ की वैल्यू 4 अपॉन ए टू अपॉन ए वन डिवाइडेड बाई ए टू अपॉन ए वन प्लस ए वन अपॉन ए टू डिवाइडेड बाई पी नॉट स्क्वायर के बराबर है. एक्सपोनेंशियल माइनस टू अपॉन एच क्रॉस
टू अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स टू पी एक्स मॉड डी एक्स के बराबर है, इक्वेशन 246 से दिया जा रहा है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन 240 फाइनली यील्ड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट थ्रू द पोटेंशियल बैरियर वी एक्स। टी इज नियरली इक्वल टू ई की पावर माइनस टू गामा, यहाँ गामा का क्या मीनिंग है, गामा इज वन अपॉन एच क्रॉस एक्स वन से एक्स टू अंडर रूट टू एम वी एक्स माइनस ई डी एक्स के बराबर है। तो ये था टर्निंग फिनोमिना आर कॉमन एट द माइक्रोस्कोपिक स्केल, दे अकर्स विद इन द न्यूक्लियाई विद एटम्स एंड विद इन सॉलिड्स। इन न्यूक्लियर फिजिक्स फॉर इंस्टेंट देयर आर न्यूक्लियाई डेट डीके इन टू द अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस विद जेड बराबर जीरो एंड द डॉटर न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस कैन बी व्यूड एट ए टर्निंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू द पोटेंशियल बैरियर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। वंस फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल कैन नॉट बी एस्केप अनलेस इट टनल्स थ्रू द पोटेंशियल ऑफ कूलम्ब बैरियर सराउंडिंग इट। द टर्निंग ऑल्सो अकर्स विद इन मैटर। पहला एग्जाम्पल हमने देखा न्यूक्लियस के केस के अंदर अल्फा डिक्पे के अंदर, और दूसरी बात हम कर रहे हैं मेटल्स की। When the metal is subjected to the external electric field, electron can be emitted from the metal. This is known as cold emission. अभी जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है हम उसके कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। अभी जितने भी हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया अप्रॉक्सीमेशन मेथड का, इस यूनिट में हमने थ्री अप्रॉक्सीमेशन मेथड पढ़े टू अप्लाई द स्टेशनरी हैमिल्टोनियन, जो स्टेशनरी हैमिल्टोनियन पर ही अप्लाई होते हैं। हमने देखा अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स ऑफर्स एफिशिएंट शॉर्ट वे ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी लेवल्स डेट आर एट टाइम आइडेंटिकल विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। हमने जो भी अप्रॉक्सीमेशन मेथड से एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट किए वो टोटल एग्जैक्ट रिजल्ट के साथ मैच करते हैं। फॉर इंस्टेंट इन द कैलकुलेटिंग द एनर्जी लेवल ऑफ हारमोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम वी हैव टू सीन इन ए नंबर ऑफ सॉल्ड एग्जाम्पल हाउ द वेरिएशनल मैथड एंड डब्ल्यू के बी मैथड लीड्स टू द करेक्ट एनर्जीज विदाउट रेस्टोरिंग टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन। द अप्रॉक्सीमेशन मैथड डील्स मियरली विद द सोल्यूशन ऑफ फ्यू सिंपल इंट्रीगल्स। हमने कुछ सिंपल इंटीग्रेशन के हेल्प से एनर्जी लेवल फाइंड आउट किए, जबकि पहले हम जो बात कर रहे थे एग्जैक्ट सॉल्यूशन की उसमें हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। वी हैव सीन दैट टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर हाइड्रोजन एटम वंस हैड टू कैरी आउट लेंथी लेबोरियस कैलकुलेशन। अप्रॉक्सीमेशन ऑफर इन जनरल पावरफुल इकोनॉमिकल प्रिस्क्रिप्शंस फॉर डिटरमाइन रिलायबल रिजल्ट ऑफ सिस्टम डैट कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अप्रॉक्सीमेशन मैथड डैट अप्लाइड टू टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस सच एज एटोमिक ट्रांजिशंस डीके एंड सो ऑन। थैंक यू।